आज यहाँ पर हज और उम्रा जाने के लिए एक किबलाए तैयबा के नाम से एक ऑफिस खोला गया है। यहाँ से हज और उम्रा के लिए और ये सैफ कुरैशी और सलमान वारसी साहब का है और मैं इस मौके पर दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इनका ये ऑफिस यहाँ कामयाब हो और ज्यादा से ज्यादा हाजियों के लिए उम्रा करने वालों के लिए खिदमत करें। इंद्री जी, सरकार द्वारा आए दिन जब पैसे बढ़ाए जाने का भी हज पे कभी उम्रा के नाम पर, इस पर कोई प्रयास नहीं किया? हम लोग तो बहुत कोशिश करते रहते हैं लेकिन ये सरकार जो बैठी है इसको किसी चीज की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान को बेचने में लगी हुई है और हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगी हुई है। इसके अलावा इसे कोई काम नहीं है। आज गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रेन बिक रही, स्टेशन बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट पूरा देश बर्बाद कर रही है। सरकार द्वारा जो एयर इंडिया बेचे गए इससे क्या कुछ इजाफा होगा हज यात्रियों के लिए उम्र पर जाने के लिए? कुछ पैसा कम होगा या पैसा बढ़ेगा? ऐसा पैसा कम कहाँ होगा, ये तो प्राइवेट लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनका पैसा बढ़ाने में लगे हुए। हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी आज बर्बाद हो चुकी है और पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी GDP घट रही है और अंबानी बंधुओं की अडानी बंधुओं की इकोनॉमी बढ़ रही है। आज दिल्ली में चुनाव हो, चुनाव के लिए कुछ बताएंगे? बस अल्लाह से दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी जालिम सरकार चली जाए, दिल्ली से शुरुआत इसकी होगी मुझे पूरी उम्मीद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिम हुसैन कादरी, ज़ारा जुमरा टूरेंट ट्रेवल्स के MP। आज हमने बरेली में एक अपनी ब्रांच और शुरू कर दी है रोडवेज के पास किबला तैयबा के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शहर में और भी हम ब्रांच खोलेंगे और बरेली के साथ साथ बदायूं, पीलीभीत, शाहजहानपुर, रामपुर और टनकपुर, बनबसा, हर जगह अपनी ब्रांचें खोलेंगे। हमारा जो ब्रांचें खोलने का मकसद है वो मकसद ये है कि हम लोग पिछले 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और तकरीबन 15,000 से 20,000 हाजी हम लोग भेज चुके हैं उम्रे पे। मकसद ये है कि आजकल बहुत टूर वाले खुल रहे हैं, गली गली में टूर वाले खुल रहे हैं और जो फ्रॉड कर रहे हैं, सस्ता पैकेज दिखाते हैं लोगों को, पैसे हड़प लेते हैं, ले के नहीं जाते हैं और ले भी जाते हैं तो फर्जी भाड़ा होता है उनके संग, उनको वापसी का टिकट नहीं मिल पाता है, वहाँ होटल नहीं मिल पाता है, खाना नहीं मिल पाता है और लोग वहाँ परेशान होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी यही हमारा मकसद है ब्रांच खोलने का हर जगह, इसीलिए कि लोग जाएँ वहाँ पर, उनको पूरी सहूलत मिल सके और किसी भी चीज़ की तकलीफ।